दबीर शेख बोल रहे हैं, अरे भाई ये तो बताओ केएल राहुल ने क्या भेजा है ये लोग लोगों तो बाहर है को अभी। जो उसको ना ही लें। केएल राहुल ने ऐसा परफॉर्मेंस क्या नहीं किया किए भाई उसको ना लें? यार केएल राहुल आईपीएल में, इंजर्ड भी हो गया ना आईपीएल में, परफॉर्म करता है 23 अलग ही में। नाम है वैसे केएल भाई। राहुल रहेगा आईपीएल भाई, राहुल, केएल राहुल हालांकि देखना आईपीएल के बाद आ जाएगा। टी वो ट्वेंटी वर्ल्ड कप में केएल राहुल की एंट्री हो रही है। उसको ले डेडमैन है आईपीएल केएल में, राहुल, डेड आईपीएल में लगाएगा नीचे मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए, लेकिन वहां पे देखना होगा कि मैच फिनिश कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि आप कर ऐसे ही लेगा नहीं केएल वो। राहुल को लो। हाँ ये है कि प्रेशर सिचुएशन में फंस जाता अकेला और वहां पे तो जिस मोमेंट पे जिस पोजीशन में बैटिंग यार करेगा प्रेशर सिचुएशन में फंस जाता भाई, है यार लखनऊ के लिए भी अकेला अकेला फंसेगा फंस जाता है वो। देखो उस पे आता है भगवान, यही करते कि बेटा चल तेरे को इतना बड़ा कर दिया, अब तू जीता अकेला बड़ा अकेला। मैच, तू जीता, अब वो पड़ जाता अकेला, आनंद अकेला। याद है आईपीएल में भी एक मैच था बड़ा लो स्कोरिंंग मैच था, आरसीबी और एलएसजी वाला ही, एंड तक अकेला गया, उस हार एंड तक गया। गया, देख हार वो गया। पहले भी आप सबसे अरे वो अच्छा जो, था एलिमिनेटर का मैच, एलिमिनेटर या हाँ क्वालिफायर था, एलिमिनेटर था शायद। उसमें दीपक हुड्डा ने 4 छक्के मार दिए, राशिद ने दीपक हुड्डा को आउट करा। हाँ इनको मेरे ख्याल लास्ट के 2-3 ओवर में ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, 22 वाला, हाँ ऑलमोस्ट रन अप ऑल आ गया था, हाँ रन अप ऑल से थोड़ा एलिमिनेटर ज्यादा था, एलिमिनेटर था वो। लेकिन वो इजी था भाई, आउट हो गया दीपक हुड्डा आउट, ये एंड तक गया, आउट हो नहीं गया नहीं भाई। रनर आउट हो बॉल गया नहीं था चाहिए था, इसने बड़ी स्लो बैटिंग की और आखिरी में कुछ 3 ओवर में 32 कुछ 10 के ऊपर के रन लेते हैं। और हाँ, हेजल बोर्ड पे वो गुजरात से हार आई थिंक गए हर्षल पटेल पे, क्या पता नहीं हेजल बोर्ड का हो गया। 2022 वाला हाँ हाँ ना, 22 वाला, वो हार गया था एलिमिनेटर में जाकर, जबकि ओ आखिरी में सॉरी, जाकर आरसीबी से हार गए। आरसीबी से हार गए थे। आरसीबी में हसरंगा ने आउट कर दिया फिर दीपक हुड्डा हाँ को, दीपक हुड्डा ये भाई को एंड तक गया, इक्वेशन एकदम खत्म हो गई थी, ये जीत गए थे मैच, नहीं जीत गए थे, बट ये फिर हार के आ गया आखिरी के 3 ओवर मैच फिनिश नहीं हुआ। और केएल इस बार ना क्योंकि मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल खेलेंगे, मैं मतलब कई मैचेस केएल ऐसा, राहुल वो है ना, हारी कई बार, बाजी। कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे इनको फिनिश करना होगा, हाँ, और अगर आईपीएल में फिर नहीं हो करेगा पाएगा करेगा, नहीं नहीं मामला करेगा, इस फिर बात तो करेगा। समर छोटी छोटी कुमार टीम्स बोल को रहे मारे हैं हैं, लव यू ऑल छोटी माय छोटी टीम। फेवरेट्स, थैंक यू थैंक ब्रदर, यू एक बार समर एक भाई, बार। केएल लेकिन वो जो है ना केएल राहुल वाली बात, राहुल वो है ना वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता कहलाता है, है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, इसे जीती हुई बारी हारना आता है, जीती हुई बाजी हारना जिसको आता है वो केएल राहुल राहुल कहलाता कहलाता है। है यार, सोचो केएल राहुल वो सबसे बड़ी सिकंदर ही दोस्तों दोस्तों कहलाता कहलाता है, है, हारी बाजी जीती को बाजी जीतना को जिसे आता है वो केएल राहुल ही दोस्तों दोस्तों कहलाता कहलाता है, है, जीती जीती बाजी बाजी को को हारना हारना जिसे जिसे आता आता है। तो है भाई इस केएल बार उल्टा कर राहुल, दिया कुछ, इस अब तू बार मिडिल जिताने ऑर्डर हो आ गया। गया, ओपनर से हट गया, अब बहाने आ गए कि मिडिल ऑर्डर खेलूंगा। भाई मिडिल ऑर्डर खेल जरूर लियो लेकिन मैच जिता दियो, आप देखो कितनी क्योंकि बड़ी, प्रेशर इतना आता है। देखो T20 में तो है ही प्रेशर का गेम, क्योंकि तुम्हें हाँ 1 सेकंड में डिसाइड करना है, तब तक तो आंख ही खोलता है ये। जब तक आंखें खुलती है मैच खत्म, अच्छा केएल इतना भोला लगता आंखें खुलने में है मैच यार, खत्म। केएल राहुल इतना ऐसे लगता तो बड़ा भोला, चारू मतलब का क्यों केएल फेवरेट है हमारे भाई सामने केएल राहुल की तस्वीर लगा, बेचारा गुड बॉय केएल गुड इतने, बॉय, मन इतना करता है कोबरा का भोला खुद उसको अपने हाथों से यार, टाई बना के मतलब स्कूल भेज दो, केएल राहुल के चेहरे, मतलब कोई भी केएल इतना राहुल का भोला क्रिटिसिज्म क्यूट होता का है है, क्यूट क्यूट जैसा लगता, मतलब बोल कहते क्या मतलब लगता, केएल बछड़े राहुल जैसे जैसा बछड़ा जैसा मासूम, वो मासूम, बछड़ा कुछ पैदा बोल पैदा नहीं होता पाया गया उसे है यार, यार, क्यों मतलब खुलता है बच्चा मुंह ही है फिर? अभी तक बड़ा नहीं बच्चा बन ही है, पाया ना, बड़ा नहीं हो पाया ना, अभी तक बड़ा नहीं हो पाया, बड़ा हो जाना चाहिए था। कब बड़े एक टाइम था जब लोग बोलते थे रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद केएल राहुल केएल राहुल की लेगेसी बनने वाली है, इंडियन क्रिकेट के लेगेसी इतिहास में बनती भी है अभी भी भाई। वो बैटर तो बहुत अच्छा है, बेटर बहुत है, बनाया क्लासिक नहीं बैटर था है, बट उसने, उसके लिए बट बोले क्या, बनाया जब नहीं उसकी आंखें खुल जाती हैं, प्रेशर आया आंखें खुल गई, नहीं देखो बैटर बैटिंग बंद। बैटर बहुत बड़े बड़े आए, केएल राहुल भी बहुत अच्छे बैटर हैं, और मैं तो उन्हें यार टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के लोग उसे याद क्यों रखें, मेरी वजह ऐसा से, कुछ किया मेरी उसने, वजह से याद कुछ नहीं रखें कर पाया कि ना वो मैंने बताया था यार, ये ये बहुत चोकर है। लेकिन वो जब आता है ना उसकी आंखें खुलती है, मेरी यहां पे आंखें खुल जाती है। आ गया फिर से मुझे बर्बाद करने, आपकी आज खुल कर दिया जाती कुछ, केएल, अरे बंद, हमारी हाँ बंद हो जाती है, अरे आपकी खुल जाती है। केएल राहुल बैटिंग कर रहा होता है ना, जब हमारे वर्ल्ड कप यहाँ में पे आया दिल था, में धक 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 हो रहा आप होता बताओ है, जब वर्ल्ड कप में आया था, मुझे पता था जब मरवा विकेट गिरे गए थे, नहीं मरवाया नहीं, नहीं फाइनल में कहा था रन आपने खुद बनाने, बोला नहीं ये विकेट नहीं ये देगा, विकेट नहीं मुझे देगा, पता मैंने है बोला विकेट नहीं ये देगा, विकेट नहीं विकेट देगा, नहीं दी उसने, विराट के साथ खेलेगा ये, हाँ उसके विकेट बाद नहीं जैसे विराट आउट, विकेट नहीं दी भाई ने, दी, विकेट नहीं विकेट देगा, देखे के विकेट आखिर कब में दी, जब हिटिंग की बारी आई विकेट देके विकेट चला गया, देके चला हमेशा गया, ये करता 100 बॉल है, में 60 रन। जब उसका काम होता ना असली तब वो निकल लेता है, बोलता है बाय, और अभी साउथ अफ्रीका में आया आसिफ आज अली को एक, लेके 50 बना लिए। हम तीनों ही थे, मारो नहीं मार, आज कुछ आज करके कुछ करके मारेगा मानेगा, आज बोला कुछ था करके मैंने, मारा मानेगा, उसने, उसने आज मारा कुछ भाई करके करके, मारेगा, साउथ अफ्रीका में जब जब आया जब, तो मैंने उसको पहली बॉल, उसको शॉर्ट बॉल पड़ी हाँ उसने टेस्ट मैच घुमाया, में, टेस्ट घुमाया उसने उसने, टेस्ट मैच में घुमा दिया। मैंने बोला भाई ये तो वनडे में नहीं घुमाता, ये T20 में नहीं घुमाता, टेस्ट पहला मैच ओवर में घुमा में, रहा है T20 का पहला ओवर मेडन खेलने वाला बंदा टेस्ट मैच में डिफिकल्ट पिच पे साउथ अफ्रीका बाउंसर पड़ा, घुमा दिया चार, क्यों? क्योंकि बाहर था टीम से, टीम में जगह बनानी थी, ड्रॉप हो गया था टेस्ट से।
पॉजिटिव इंटेंट के साथ आया, मैंने उसी टाइम बोल दिया ये आज कुछ करके मानेगा वो, क्योंकि यार उसमें कैलिबर है, वो अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलता यार। लेकिन वो आदमी है कि अगर मूवी चल रही हो, मूवी में गोलियां चल रही हो, छाता खोल के बैठ जाएगा, मुझे ना वो इंसान है, ये इंसान है वो, छाते लोग बता रहा हूं आपको। अच्छा एक और गोलियां एक तो और, छातों से भी पार हो जाती है, दो गैंग में लड़ाई हो रही है तो बच तो नहीं पाता ना वो, केएल राहुल भी जाता ही होगा, लगी जाती है गोली केएल राहुल, वो आदमी दो गैंग में लड़ाई हो रही है, गैंग वॉर चल रही है, AK-47 AK-57 के साथ केएल राहुल 56 केएल राहुल वो इंसान है जो थापी लेके पहुंच जाते हैं, थापी से मारूंगा, थापी नहीं लेके, अपने आप ही मरवाया था, वो सफेद झंडा लेके पहुंचता है, पीस गाइस पीस, और नहीं झला जाएगा मुझसे पीस नहीं यार, केएल मच बेटर बैटर है, उसको हमें अभी तक कम से कम दो टूर्नामेंट जिता देना चाहिए, ये तो बेस्ट मौका था यार, सारे पाप मिल जाते, दे तू रन मार भाई को जिता दे तब तो मजा आए, खुद बोलता तो करेगा ही नहीं कभी, अभी तो 32 साल का यंगस्टर बना हुआ है, बताओ सारे पाप धुल जाते हैं, याद रखेंगे भाई, ये वर्ल्ड कप अगर जितवा देता केएल राहुल 100 में 80 भी बना देता यार, जय जयकार होती, 80 बना देता, 90 भी बना देता, वो केएल राहुल के सारे पाप माफ, सारे पाप सर पे बैठाते लोग उसे, और क्या, कप्तानी की ताजपोशी होती भाई, कप्तानी तो वैसे भी सोचो केएल राहुल अगर वर्ल्ड कप जिता देता, आप T20 में केएल को कप्तान बनाए थे, कौन सा है अंदाज अपना अपना, कौन है कौन सा गया मैच जीतने वो क्या नाम उसका, तेजा आया जितना था मालिक सब लाया, ये तो चिल्ला गया, 8,865 रुपए है भाई, चुप करो, चलो हाँ चलो भतीजे, चलो अंकल आप आगे आइए, अंकल आप गोदी में, अंकल आप बीच में, नीचे उतर गोदी वाले, वो वही है गोदी वाले, अंकल मैं जिताऊंगा कैसे, टुक टुक, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पा रहा, क्या करें हम, इंटेंट पागल हो चुके हैं, अच्छा इंटेंट नहीं है यार उसका, ना क्या है कि अगर मेंटली ब्लॉकेज है, ऋषभ पंत ने आपको टेस्ट मैचेस कैसे जिताए, मैं T20 में नहीं बात करता, उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, टेस्ट मैचेस कैसे जिताए, ODI में भी इंग्लैंड वाला कैसे जिताए, प्रेशर सिचुएशन होती है, वो छक्के छुक्के मारना शुरू कर देता है, बॉलर लाइन लेंथ भूल जाता है, उसके बाद आप मैच हार ही नहीं सकते, आप यहां पे भी देख लो, जो पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल ने रन मारे हैं वो मारना शुरू कर दिया उसने, वो शॉट्स खेल रहा था, वो इतनी डिफिकल्ट पिच में 100 मार गया, आई थिंक केएल को ना भरोसा नहीं है, भरोसे की बात अपने ऊपर के प्रेशर सिचुएशन में ना एक दिमाग में डाल लेता है कि मैंने शॉट्स नहीं खेलना, मैंने रोक के खेलना, इसीलिए वर्ल्ड कप में जब आया था मैंने बोला था ये आउट नहीं होगा, ये नहीं बोला था कि मारेगा, मुझे पता था आउट होगा भाई, जब तेरे में इतना कैलिबर है तो किसी भी टीम के अगेंस्ट आउट नहीं होगा, तो भाई उससे अच्छा मार ही ले, और ये मारना शुरू कर दे तो सब बॉलर की दूसरी टीम ही आउट हो जाती है, आए तौबा करने लगते हैं यार, उसके पास सारी शॉट्स है, खेलता ही, शामी भाई ने खुद बोला था इंटरव्यू में सबसे टफ बैटर जो है कोई केएल राहुल है, कैलिबर है कि ये, शामी भाई ने इंटरव्यू में बोला इतना कैलिबर है इसके पास कि इंडिया का बड़े बैटर में नाम आ सकता है, लेकिन मेंटली इतना ज्यादा वो है यार, इस जनरेशन के तीन बड़े बैटर कौन है आपके बता दो मुझे, रोहित विराट केएल तीसरा, यही है टैलेंट वाइज, यही है, लेकिन बात वही आ जाती है ना घूम फिर के, कुछ कर करके नहीं लेता, अपने आप को इतना क्यों कंट्रोल कर लेता है, केएल राहुल सोच ले पहली बॉल से मारना है घुमाना, मैं बता रहा हूँ किसी भी गेम में कोई नहीं, कोई माइकल आल नहीं रोक सकता, और मुझे पता लगता है कि लोग बोलते केएल राहुल को हेट करता है, मैं बोलता हूँ भाई अगर ये इंटेंट से खेल ले ये हमें कप जितवा दे आराम से, है मतलब ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बैटर हो जाता है। अच्छा हमारी बदकिस्मती देखो अब के जो हमें लगते हैं जो हमारे जो है भी तीन बड़े बैटर बेस्ट, केएल चलो है अच्छा बैटर है, कुछ कर नहीं पाते हुए अलग बात है, एक को हम सेल्फिश बोलते हैं, एक सेल्फलेस है एक इंटेंटलेस है, ये हमारे ये इंडियन क्रिकेट में ही क्यों है यार, ये हमारे लोगों के पास ही क्यों बदकिस्मती है, कौन सा कर्स है हमारे ऊपर, कौन सा श्रापित फैन है क्या हम यार के एक इंटेंटलेस एक सेल्फलेस एक सेल्फिश और भी कोई हो तो बता दो, और एक आधे एडजेक्टिव लेकर आ जाए, बुमराह क्या बोले, बुमराह को कुछ नहीं बोला, हार्दिक पांड्या वो यूनिक है ना, वो यूनिक है और वो ग्राउंडलेस है, मैचलेस ओवरऑल इंडियन क्रिकेट होपलेस इंडियन फैन एंडलेस ब्रेनलेस। तो